नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पैसिफिक आइलैंड पापा न्यू ग्विना की विजिट पे हैं, और वहां पर इस मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि इंडिया शुड बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहिए, और चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्यों परेशान हो सकता है? तो चलिए जानते हैं इस पूरे इशू को। तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहले यहाँ पे वीडियो के अंदर। हम लोग ये बात देख रहे हैं कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू ग्विना में अपनी विजिट दी है, जहाँ पर उनका स्वागत बहुत ग्रैंडली हुआ है 21 गन सल्यूट के साथ, नेशनल एंथम के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी ब्लेसिंग्स ली बाई टचिंग हिज फीट एज वेल। सो पैसिफिक आउटरीच के लिए इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स को शो किया गया, जहाँ पे इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को बनाने की बात करी गई, साइबर सिक्योरिटी, स्कॉलरशिप फॉर द चिल्ड्रंस, जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे, योगा सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी डेवलप करी जाएगी। इन सारे प्रपोजल्स के साथ यहाँ पे ये बात करी गई है कि ऐसे कैंप्स बनाए जाएंगे और इंडिया फुल सपोर्ट करेगा इन पैसिफिक रीजन्स के अंदर। तो अगर हम लोग ये पैसिफिक आइलैंड्स देखें एंड पापुआ न्यू ग्विना को देखें, तो हमारे लिए ये बात समझनी ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड रीजन। पैरेलली यहाँ पे जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है पापुआ न्यू ग्विना के अंदर। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली इंडिया इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि वो एक बेहतर तरीके से ग्लोबल साउथ के लीडर के का टॉर्च बियर बन पाए। सो आफ्टर द करेबियन नेशंस, द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज टू अर्ज इंडिया टू बी देयर फ्लैग बियर ऑन द ग्लोबल स्टेज ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, जो मंडे को रिसेंटली हुआ है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जो इस मीटिंग में मौजूद थे, और वहाँ आइलैंड नेशन के जो प्राइम मिनिस्टर थे पापुआ न्यू ग्विना के, उन्होंने उनसे ये अर्ज किया है कि आप ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इशूज़, उन मुद्दों को आप लेकर उन मीटिंग्स के अंदर जाएँ। साथ ही साथ द मीटिंग जो मंडे को हुई है वो एक सिग्निफिकेंट मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है उसके ऊपर भी, क्योंकि प्रेजेंटली G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, और इंडिया कैन रियली बी अ गुड सपोर्टर फॉर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड इवन जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को भी G20 प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया रख सकता है। इस समिट के दौरान इंडिया के रिलेशनशिप्स इन नेशंस के साथ बहुत बेहतर हुए हैं, और इंडिया अपने प्रोएक्टिव स्टेप्स के थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने रिलेशंस को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू बहुत कंड्यूसिव बनाने की कोशिश कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दी जेम्स मरापे, जो पापुआ न्यू ग्विना के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा दैट यू आर द वॉइस दैट कैन ऑफर आर इशूज़ एट द हाइएस्ट एज एडवांस इकनॉमीज डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू इकनॉमी, कॉमर्स, ट्रेस एंड जियोपॉलिटिक्स। तो उनकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं तो यू कैन रेज आर वॉइस एंड यू कैन इवन एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैन इशू और डिस्कस दीज इशूज़ रिलेटेड टू आर इकनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द जियोपॉलिटिक्स, की इस समय पैसिफिक रीजन के अंदर इन आइलैंड स्टेशंस के ऊपर ध्यान देना, उनकी इकनॉमी को बूस्ट करना कितना और क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मरापे हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी ऐड किया दैट वी वांट यू टू बी एन एडवोकेट फॉर अस, एज आप ऐसी बहुत सी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं एंड यू कंटिन्यू फॉर द राइट्स ऑफ द स्मॉल इमर्जिंग नेशंस एज वेल एज द इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो आप इस देश के लिए भी और पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और प्लेटफॉर्म्स के अंदर इसकी अकाउंटेबिलिटी और नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें। सो मरापा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं दैट विद द बिग नेशंस एट प्ले इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रगल, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैव बीन डेल्ट द ह्यूज ब्लो रिजल्टिंग इन राइजिंग इन्फ्लेशन, हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड द पावर ट्रैफिक। अक्सर जब भी हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सारा फोकस जो होता है वो बिग नेशंस के ऊपर ही होता है एंड पावर स्ट्रगल नेशंस के ऊपर ही होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली बात ये भी ध्यान देने की है कि जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं, छोटे रीजन्स हैं, वहां पर हाई कॉस्टिंग ऑफ फ्यूल और जो इन्फ्लेशन जिस तादाद पे बढ़ता जा रहा है उन नेशंस के ऊपर, उन चीजों पे भी ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अश्योरिंग द लीडर्स दैट दे कैन काउंट ऑन इंडिया एज अ रिलायबल पार्टनर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो सेड दिस थिंग दैट द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शुड ऑल्सो रेजोनेट स्ट्रॉन्गली इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनकी बातों को रखेंगे, आपकी जो भी इश्यूज़ हैं एज अ रिलायबल पार्टनर हम उसे वहाँ पे रखेंगे और आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की भी
कोशिश करेंगे. तो ये अश्योरेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के थ्रू भी ग्लोबल साउथ लीडर्स को दिया गया है. ही अग्रीड दैट अ वर्ल्ड हैज़ गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड विद अ कोविड पैंडेमिक एंड मेनी अदर चैलेंजेस, इम्पैक्ट ऑफ विच हैज़ बीन फेल्ट मोस्ट बाय द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ. और इस समय हमें एज अ नेशन इन लीडर्स के साथ, इन नेशंस के साथ खड़े होने की ज़रूरत है. सो इंडिया ने यहाँ पे कुछ 12 स्टेप एक्शन प्लान्स जो हैं उनको प्रपोज भी किया है इन पार्टनरशिप विद द 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. एंड ये भी कहा है दैट वी आर गोइंग टू फुलफिल द डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन. एंड पूरी कोशिश करेंगे कि जो इन ग्लोबल जो साउथ पैसिफिक रीजन्स की जो डिमांड है, इन आइलैंड नेशंस की जो एक्सपेक्टेशंस है इंडिया के साथ, वो उसको मीट आउट कर सके. फ्रॉम बूस्टिंग हेल्थ केयर टू ओपनिंग IT साइबर सिक्योरिटी हब्स टू बिल्डिंग सोलर पावर्ड बिल्डिंग्स इन ऑल दीज कंट्रीज, आर प्राइम मिनिस्टर सेड दैट वी आर कमिटेड to help the Pacific region, for which he said he has a special affinity. And पूरी कोशिश के साथ इन सभी बातों को, इन मुद्दों के ऊपर भी काम किया जाएगा और इन नेशंस की हेल्प करी जाएगी इन दी सेवरल प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पर इंडिया जो है वो जन औषधि केंद्र भी खोलेगा, योगा सेंटर्स भी खोलेगा, IT और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करेगा, बच्चों की एजुकेशन के लिए और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए भी काम करेगा. तो कोई भी अगर देश ये सारे प्लेटफॉर्म्स उस नेशंस के अंदर परफॉर्म कर रहा है, उनकी इस तरीके से हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके भी ग्रोथ और पोटेंशियल को इस समय एक्सप्लोर करने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. सो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जाना. आपको अगर इसमें और भी कोई चीज़ें जो आप ऐड करना चाहते हैं, आप अपने हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता सकते हैं. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड पैरेलली डू हिट अ लाइक बटन. नई वीडियो के अंदर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ. टिल देन टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच.